पेशेंट आता है, आई नीड टू गेट इन टच विद हिम, लेकिन सर कभी कभी सिर्फ जीरो साइड से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। इस तरह की अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट रहेगा। मतलब बड़े इसमें आपको मिलेगा वेस्ट टेस्ट को लेकर कोई कार्रवाई आई थी तो अपॉर्ट डेथ से जो है रेस्पिरेटरी फेलियर और ट्रीटमेंट का दिया अब वर्सेस कभी पेशेंट के उनका अस्पताल कर ले इसमें आज जो मीटिंग की गई है इसमें हमारे आईएमए के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में खास तौर पे डायरेक्शन दी गई है। डॉक्टर्स को भी बताया गया कि किस तरह से हमें लोगों को डील करना है। चिकनगुनिया और डेंगू जो है, जैसे आपने अभी सुना कि डॉक्टर्स ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं, चिकनगुनिया के मामले में डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पेशेंट्स को थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है और उसको दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा, उसको एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके जॉइंट्स पेन्स होते हैं, उसके लिए उसको थोड़ा सहन करना पड़ता है। ऐसे में उसको और ये भी ज़रूरत है कि वो मच्छरों से अपने आप को बचाएं लोग, और फुल स्लीव के कपड़े डालें, घरों में कहीं पर भी पानी खड़ा ना होने दें। इसी तरह से डेंगू के केसेस के लिए भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये भी साथ में बताया कि जो टेस्ट जो किए जा रहे हैं, एलाइजा बेस्ड आईजीएम और NS1 एंटीजन टेस्ट हैं, उनकी जो फीस है वो 600 रुपीज़ है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और टेस्ट करते हैं वो, तो वो कन्फर्मेशन के लिए हमारे स्टेट पब्लिक हेल्थ लैब में सैंपल्स भिजवाएं। कितने केस आए हैं डेंगू और चिकनगुनिया के? जैसे ना हमारे पास 54 सैंपल्स डेंगू के टेस्ट हुए हैं, जिसमें 6 हमारे यहाँ करनाल की लैब में पॉजिटिव आए हैं। एक केस जो ना PGI चंडीगढ़ में पॉजिटिव आया था। डेंगू के हमारे पास 24 सैंपल्स आए हैं, 24 में से 2 केस पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 3 और पॉजिटिव थे जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट के थे। उधर लोगों को कहा गया आंकड़े देने के बारे में, आंकड़े नहीं देते? हाँ, इनको हमने बताया कि जो भी केस जितने भी आ रहे हैं, जितने फीवर केसेस हैं और डेंगू के सस्पेक्टेड केसेस हैं, उनके बारे में डिटेल। तो सेम, जो पहले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे और सिविल सर्जन का भी। बेसिकली डेंगू इस बार ना के बराबर ही है, लोग अननेसेसरी पैनिक ना हो। आई थिंक जो फीवर चल रहा है वो आज के दिन में वायरल फीवर ही चल रहा है बेसिकली, जिसके अंदर मेन जोड़ों का दर्द, इचिंग स्टार्ट है। बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जो वायरीमिया के साथ आ रहे हैं, जिसको मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सांस चढ़ना, उल्टियाँ होना, BP लो हो जाना। सेम मैसेज रहेगा कि लोग इस चीज़ के लिए, जहाँ ये चीज़ें लोगों को तंग कर रही हैं, वो लोग अर्जेंट एडमिशन हॉस्पिटल को अप्रोच करें। और चिकनगुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर पेशेंट 7 से 10 दिन तक ठीक हो जाते हैं। इसके अंदर सीवियर जॉइंट्स पेन और इचिंग रहती है। पेशेंट के लिए जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, ताकि एक पब्लिक को एक अच्छा मैसेज जाए और सब लोग जो पैनिक मोड में हैं वो शांत रहें। करनाल के CMO कार्यालय में आज CMO द्वारा जो है करनाल जिले भर के तभी तमाम डॉक्टरों की जो है मीटिंग ली गई। अगर बात करें तो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो है डेंगू और चिकनगुनिया था। IMA के बैनर के नीचे सभी निजी डॉक्टर्स जो है आज करनाल में इकट्ठे हुए, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SL वर्मा द्वारा जो है उनको सख्त हिदायतें दी गई कि किस तरह से जो है डेंगू और चिकनगुनिया जो बीमारी जो फैल रही है उससे किस तरह से निपटना है। और मरीजों की अगर बात करें तो मरीजों को जागरूकता ज़्यादा जरूरी है, इलाज भी जरूरी है, लेकिन जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि किस तरह से, हालांकि पिछले साल के मुकाबले जो है इस बार डेंगू के काफ़ी कम मामले जो है इस बार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं जो है CMO द्वारा यह भी आदेश दिए गए कि जो सरकारी आदेश दिए गए हैं, जो टेस्ट के सिर्फ 600 रुपये में जो है डेंगू प्लेटलेट टेस्ट होगा, उससे ऊपर कोई भी हॉस्पिटल जो है चार्ज ना करे, अन्यथा उन अस्पतालों के खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। देखिए, पहली बात तो हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का और सिविल सर्जन ऑफिस का थैंक्स किया है कि इस साल डेंगू के पेशेंट्स और मलेरिया के पेशेंट्स पिछले सालों के मुकाबले बहुत 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 कम हैं। कुछ पेशेंट्स वायरल फीवर्स के और चिकनगुनिया के आ रहे हैं, मगर जैसा पहले भी हम बता चुके हैं, चिकनगुनिया 99% सीरियस नहीं होता, इसमें डेथ्स नहीं होती। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जिनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। मेरे साथ साथ शहर के सारे फिजिशियंस खड़े हुए हैं। 2-3 मैसेजेस मैं देना चाहूँगा पब्लिक को। एक तो अगर किसी को वाकई डेंगू हो जाता है या किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर को प्रेशराइज ना करें कि हमें प्लेटलेट्स चढ़ाएं। 50,000 तक
प्लेटलेट्स की चढ़ाने की जरूरत भी नहीं होती। 50,000 से कम अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो ज़रूरत होती है, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही हो तो 20,000 तक 10,000 तक भी प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, बशर्ते पेशेंट अपना मानसिक संतुलन ठीक रखे और डॉक्टर को प्रेशराइज ना करे। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि यदि किसी को डेंगू है और उस पेशेंट को कुछ लक्षण हैं ऐसे जिससे कि उसको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, पेट में दर्द है, कॉन्टीन्यूस उल्टियाँ हैं, पेशेंट को सांस की दिक्कत हो रही है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए कहीं से, पेशेंट बहुत बेचैन हो जाए, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाए, उसको चक्कर आने लग जाएँ, ऐसे में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, वरना आसानी से ट्रीटमेंट घर हो सकता है।